सर, ये आप लोग का प्यार है और आशीर्वाद है सर, क्योंकि हम लोग की पीड़ा को जितने अच्छे ढंग से आप लोग समझ रहे हैं शायद कोई समझ नहीं पाता है सर। और ये आपका प्यार है कि लगभग आज 9-10 से महीने हो गए इस प्रकार से हम लोग की आवाज को आप लगातार उठाते रहे हैं, उसका असर भी दिख रहा है सर, क्योंकि जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है माननीय विजय किरण आनंद जी जब से गोरखपुर जनपद से गए हैं लखनऊ, वो लगातार इस प्रक्रिया पे ध्यान दे रहे हैं। उनके ग्रुप में कोई न कोई रोज शेयर करता रहा, या बीजेपी का प्रवक्ता जब वो गोरखपुर में थे कि बाबा जी सुन ले, या सपा का प्रवक्ता, तो बड़े ही अच्छी तरीके से उन्हें जानकारी मिल चुकी है कि पिछले एक वर्ष से इस पर लड़ाई चल रही है। जी सर, तो आज उन्होंने मीटिंग लिया है और मीटिंग में उन्होंने इस बात को कहा है, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी को और महानिदेशक आदरणीय विजय किरण आनंद जी को, 27,000 अनुदेशक परिवार की ओर से उनको उनका बहुत बहुत आभारी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अनुदेशकों की पीड़ा को समझा और इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को उन्होंने लागू करने की बात कही। इससे पहले भी हमारी वार्ता हुई थी जिसको मैंने आपके चैनल पे बताया था, लेकिन अब अधिकारी स्तर पे वार्ता काफी आगे जा चुकी है और वो नियमावली बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और एक चीज और सर मैं बताऊं आपको, अभी मानव संपदा पे ये भी पूछा गया है कि किस अनुदेशक, कोई जो अनुदेशक है क्या वो विवाहित है या अविवाहित है, और विवाहित है तो उसकी शादी कब हुई है, मतलब किस डेट में हुई है, इसकी भी जानकारी मानव संपदा पे देनी है उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों को। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है वो इसलिए देनी है जो वो चर्चा करती है कि अनुदेशक को कुछ नहीं मिलता है तो उसका परिवार बीमित किया जाएगा, कि अनुदेशक के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है और वो सब देखा जाएगा कि जो पत्नी है, जो चर्चा चल रही है लगातार अंतर जनपदीय की, कि कहां किसकी शादी हुई है, वो सारी डिटेल भरवाई जा रही है कि शायद अंतर जनपदीय साथ ही साथ खुले। मैं ऐसी कामना करता हूं, मुझे जो आश्वासन मिला है मैं उसी को लेकर आपसे चर्चा कर रहा हूं, आप अपनी बात जारी रखिए। जी सर, तो वही यदि इस प्रकार की स्थिति ली जा रही है, जानकारी ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय हमारी मांगों को सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार कर रही है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी का, और संदीप सिंह जी सर की सर एक खासियत है, उनसे आप जब भी फोन पे वार्ता करिए वो आपको समय देते हैं, वो आपकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि आपकी पीड़ा हम जायज है। 17,000 के मुद्दे पे भी उन्होंने कहा, और सर अभी आपने जो आपने जो कोर्ट केस की बात कही है सर, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे कि हम लोग कोर्ट में नहीं गए, हमारा 17,000 पास हो गया था, भारत सरकार ने हमारा 17,000 मार्च 2017 में पास कर दिया था, 15 मई 2017 को इसके मिनट्स भी जारी हो गए थे, और भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पे 19 मई 2017 को ट्वीट भी किया गया था कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और इनका जो प्रस्ताव 8,470 से बढ़ाकर जो भारत सरकार के पास 17,000 का गया था भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है। तो सर हम लोग तो इंतजार करते रहे, लेकिन दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस 17,000 के प्रस्ताव को कम करके 9,800 रुपया कर दिया, और विधानसभा में उस समय की तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी ने विधानसभा में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 9,800 रुपया दे भी रहे हैं, लेकिन आज तक 9,800 हमको तो मिला नहीं, बीच में जो पैसा मिल रहा था 8,470 उसको भी कम करके 7,000 कर दिया गया और लगभग 9 महीने की रिकवरी भी कर ली गई। तो सर कोर्ट में हम नहीं गए हैं, कोर्ट में सर डबल बेंच सिंगल बेंच में हम लोग गए थे, क्योंकि हम लोग 2 साल इंतजार किए, जब सरकार हमारा 17,000 नहीं दी, 9,800 रुपया प्रस्ताव पास करके कर दिया, तब हम लोग माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट और माननीय लखनऊ हाईकोर्ट में गए और दोनों जगह हम लोग को जीत मिली। 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाईकोर्ट ने और 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अनुदेशकों को मार्च 2017 से इनका 17,000 का भुगतान किया जाए, लेकिन सरकार इसका भुगतान नहीं करती है। फिर हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं, और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम लोग जाते हैं तो सरकार डबल बेंच में स्पेशल अपील दायर करती है। तो इस समय जो मामला चल रहा है सर, हम लोग के तरफ से कोई मामला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं स्पेशल अपील डबल बेंच में दायर की है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है
कि 17,000 उत्तर प्रदेश सरकार देने को तैयार है तो उत्तर प्रदेश सरकार 17,000 की घोषणा करे। और उस खुद स्पेशल अपील में गई है, उत्तर प्रदेश सरकार खुद अपने केस को वापस ले सकती है। हम लोग की इस केस में इस समय कहीं कोई भूमिका नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं गई है और उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं चाहेगी तो अपना केस वापस ले लेगी और हमारा 17,000 लागू कर दीजिए। हम आपका स्वागत करेंगे, हम उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का जय जयकार करेंगे, क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी है, हम तो सरकार के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप जो आदेश बनाओगे, जो नियम बनाओगे, हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि हम तो आपके कर्मचारी हैं। यदि हम 1 रुपया भी पाते हैं, आज यदि हम 9,000 रुपया पाते हैं, पहले 7,000 पाते थे, बीच में 8,470 पाते थे, तो आप जो भी पैसा दे रहे हो ये उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। तो हम तो सर आपके कर्मचारी हैं, हम तो आपके एक एक आदेश का पालन करने को तैयार हैं। आप हमको नियमित करिए, आप हमारा ट्रांसफर कर दीजिए, 100 बच्चों की समस्या समाप्त कर दीजिए। ये जो नवीनीकरण की प्रक्रिया है जिसमें अनुदेशकों के साथ कई प्रकार की समस्या आती है, आप इसको समाप्त कर दीजिए। और जब भारत सरकार नई शिक्षा नीति, अभी नई शिक्षा नीति को लेकर 2-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी लिया था बेसिक शिक्षा विभाग का, तो आप जो नई शिक्षा नीति मोदी जी ने जो लागू कर दिया है 2020 में, आप उसमें जब अनुदेशकों के सभी विषय को नियमित मुख्य विषय माना गया है, हमको स्थायी अध्यापक बनाने की बात कही गई है, तो आप यदि हमको नियमित कर देते हो, और आपने तो विधानसभा में माननीय संदीप सिंह जी ने छात्र संख्या में जो शिक्षक छात्र अनुपात है उसमें जोड़ने का भी कार्य किया है, तो यदि आपने जोड़ने का भी कार्य किया है और आप आगे जोड़ने का, इसका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं अच्छी है हम लोग के प्रति। सरकार को लगता है कि अनुदेशक वास्तव में मेहनत विद्यालय में कर रहे हैं, ये कुछ अधिकारियों की चौकरी है, वही चौकरी जो है हमारा काम सर खराब करती है। यदि अधिकारी वास्तव में हम लोग का रिपोर्ट ईमानदारी से, अभी अभी सब चौकरी काम ठीक कर रही है, अभी किसी पर आरोप लगाना गलत है, सब हमारे बारे में अच्छी सोच रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो कदम से कदम मिलाने को तैयार हो गए हैं। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि अभी हमारे लिए एक अच्छा मैसेज आ रहा है, और मैं कहता हूं उस माँ भगवती से जो मुझे आदेश देती है वही मैं बोलता चला जाता हूं। तो कहा था कि अगस्त तक कुछ अच्छी खबर आए, तो मैं फिर प्रार्थना उस माँ सरस्वती माँ भगवती से करना चाहूंगा कि एक अच्छी खबर अगस्त के माह तक आ जाए, ताकि आप लोगों का जीवन सुचारू हो जाए और मेरे साथ जुड़े हुए सभी संगठन अच्छा करें। जी विक्रम सिंह कुछ बात कहना चाह रहे सर, इस समय हम सर राज प्रताप सिंह जी की बात कर रहे हैं, इस समय तो माननीय विजय किरण आनंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आदरणीय दीपक कुमार सर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, तो इन लोगों के अंदर हम लोग की पीड़ा समझ रहे हैं। इस समय जो अधिकारी है वास्तव में हम लोग की पीड़ा समझ रहे हैं सर, चाहे वो आदरणीय दीपक कुमार सर हो, चाहे आदरणीय विजय किरण आनंद सर हो, और विजय किरण आनंद सर की तो इतनी अच्छी उनके अंदर अच्छाई है कि वो इतना समय देते हैं। जब वो गोरखपुर में थे तो कहते थे आप आकर हमसे मिलो, अपनी समस्या बताओ, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। तो वास्तव में भी इस प्रकार के अधिकारी, जिस प्रकार के आदरणीय विजय किरण आनंद सर है, इस प्रकार के अधिकारी और 2-4 बेसिक शिक्षा में आ जाएंगे या जिस भी विभाग में आ जाएंगे, तो हमें लगता है बेसिक शिक्षा विभाग का या उस विभाग का कायाकल्प हो जाएगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय विजय किरण आनंद सर का और आदरणीय दीपक कुमार सर का और आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का और अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनको ज्ञापित करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आप वास्तव में हम अनुदेशकों की पीड़ा को समझ रहे हैं। और इसीलिए इस प्रकार की अभी जो कैशलेस की व्यवस्था है, कैशलेस की व्यवस्था में भी आपने हम लोग को शामिल किया है, अभी उसका पूरी नियमावली नहीं आई है लेकिन आपने शामिल किया है, इसके लिए भी हम उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है विक्रम सिंह, जब कुछ भी अच्छा होता है, जब धीरे धीरे रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, रिश्ते जब थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं, जब बिगड़ जाते हैं, तो उन्हें पहले नमस्ते से शुरू करते हैं, फिर राम राम आती है, फिर एक दिन चाय पानी होती है, ठीक हो जाएंगे। रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं, चूंकि अब रिश्ते बनाने पड़ेंगे उन्हें भी और आपको भी। आपको जरूरत है इस समय अच्छे वेतन की, मान सम्मान की, और उन्हें जरूरत है एक अच्छे समाज की, एक नवनिर्मित समाज की, एक अच्छे लोगों की, ताकि 2024 के चुनाव में फिर आदरणीय मोदी जी का झंडा दिल्ली में फहरे। सुरेंद्र सर, रिश्ते बनते हैं बिगड़ते, ये एक आज की नहीं पुरानी परंपरा है, लेकिन अगर कहते हैं कोई सुबह का भूला शाम तक घर वापस आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं मानता हूं, और हो सकता है कि इनकी किस्मत में ये लिखा था कि सुरेंद्र सर और